अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्लॉग के साथ खुश आमदीद मेरे देखने वाले सुनने वाले को सबको रमज़ान मुबारक। आज हम आए हैं सांगला फोक्स एंड नाइव्स पे। हम यहाँ सिखाएंगे पिज़्ज़ा और साथ साथ आपको सांगला फोक्स एंड नाइव्स का विज़िट करवाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे कि इनके पास सिटिंग कैसी है, किस तरह यहाँ पे लोग आते हैं इंजॉय करते हैं। तो ये है जी इनका ज़बरदस्त किस्म का हाल। जे कुछ लोग बैठे हैं अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और सफाई का तो क्या बात है, इनकी सफाई ज़बरदस्त है इनकी। और ये हैं सांगला हिल टेलीकॉम एसोसिएशन के सदर जो अपने दोस्तों के साथ इधर बैठे हैं, और भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। और इनका फर्नीचर जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फर्नीचर है और फुल डेकोरेटेड है, बड़े ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन की है। ये इनका रिसेप्शन है, तो सामने बाइक पे इनका किचन नज़र आ रहा है। तो ये है इनका आइस बार, सांगला फोक्स एंड नाइफ का आइस बार। इनके पास तमाम किस्म के आइसक्रीम जूसेस होते हैं जैसा कि आप देख रहे हो। और तो चलो आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक हो? दुआएं। सबसे पहले अपना तारुफ कराएं जी। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजादा अजीज, मैनेजर ऑफ सांगला फोकस लाइफ जी। तो होम टाउन है मड़बलोचा, ऑलरेडी मैं रेस्टोरेंट लाइन से हूँ और अलहमदुल्ला सेकेंड ईयर में इस पर रन कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो सांगला हिल में ये कब से ये फोक्स एंड नाइफ बना हुआ? ये सर 17 फरवरी, तो लास्ट ईयर हमने इसकी एनिवर्सरी की है, सेकंड ईयर अब इसका स्टार्ट है 17 फरवरी। यानी एक साल से ऊपर हो गया। एक साल से ऊपर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं जी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट वन है, एक लग्जरी किस्म की सिटिंग है, कंफर्टेबल फैमिली हॉल है हमारे पास और बहुत आप फैमिली के साथ प्राइवेसी है हमारे पास, मतलब कंफर्टेबल फील करेंगे फैमिली के साथ आना। और ये सांगला में बड़ी अच्छी मैं कहता हूँ ये डेवलपमेंट है, इतना अच्छा रेस्टोरेंट होना, और सांगला हिल को हमेशा ही एक अच्छे रेस्टोरेंट की जरूरत रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो हम अल्लाह पाक ने सांगला फोकस लाइफ की शक्ल में पूरी की। आपकी कुछ टाइमिंग वगैरह भी बता दें। रमज़ान में तो थोड़ी सी टाइमिंग चेंज है, आपको भी पता है डे में थोड़ा सा ऑफ होता है। 4 बजे हम रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और रात 1 बजे तक वर्किंग होती है। रात 1 बजे तक जी। तो होम डिलीवरी जो आपकी है वो कितने एरिया तक आपकी होम डिलीवरी? होम डिलीवरी ओवरऑल हम सारा सिटी करते हैं जी। तो इसके अलावा जो नियरेस्ट विलेज हैं, नियरेस्ट हमारे जो लाइक 45 है विलेज, उसमें कोटला आ गया, ये भलेर आ गया, यहाँ हमें नियरेस्ट लगता है ये पड़ोपिया गांव विलेज, तो हम डिलीवर करते हैं वहाँ तक आपकी सर्विस जी। हम करते हैं डिलीवर। चलिए हमें अभी आप विजिट करवाएं आप जी। आज वेलकम, मोस्ट वेलकम। साथ साथ बताते जाएं कि अच्छा, आपका जो इस फील्ड में तजुर्बा वो कितना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फोकस लाइफ पे तो सेकंड ईयर है, रेस्टोरेंट लाइन में मैं 10 साल से हूँ और सांगला हिल से मैं 10 साल में कर रहा हूँ। इससे पहले एक निजी रेस्टोरेंट था तो सांगला का बड़ा फेमस रेस्टोरेंट था, वहाँ मैं एज अ मैनेजर रहा हूँ 5 ईयर, मैंने ही उसको रन किया है जी। तो 2017 से 2022 तक मैंने उसको रन किया 5 ईयर, और बड़ा अच्छा रिस्पांस है और बड़ा एक स्ट्रांग पब्लिक रिलेशन है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों की तादाद में। तो अल्लाह पाक की खास रहमत है, ये वालदैन पेरेंट्स की दुआओं के सदके ये सारा अल्लाह पाक ने बड़ी ऑनर रिस्पेक्ट दी है। समझा जाता है सांगला फोकस लाइफ को, और ये सांगला में ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है सांगला फैमिलीज के लिए, एक कंफर्टेबल बड़ा अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट समझा जाता है फोकस लाइफ, और ये फर्स्ट वन है। और मैं प्राउडली कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउडली कहता हूँ नेस्ली के सांगला में तो क्या, ये डिस्ट्रिक्ट ननकाना में भी आपको इतना अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस तरह का खुला ओपन ओपन और इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतनी अच्छी सर्विस, इतना अच्छा टेस्ट, इतना कंफर्टेबल रेस्टोरेंट जो है ना फैमिलीज के लिए, आपको ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए यहाँ तो लाहौर जाना पड़ेगा और यहाँ फैसलाबाद जाना पड़ेगा, ये 100% है। मैं ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सांगला हिल की आवाम को ये फोकस लाइफ की शक्ल में रेस्टोरेंट मिला है। तो ये डिस्ट्रिक्ट ननकाना सांगला को तो छोड़ें,
तहसील सांगला को छोड़े जिला ननकाना में भी आपको इतना अच्छा रेस्टोरेंट है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऊपर भी फैमिलीज के लिए बड़ी अच्छी सिटिंग है, बच्चों के लिए प्लेलैंड एरिया है, तो पार्टी रूम है हमारे पास बहुत खूबसूरत, जिसमें मोस्टली वो बर्थडे की सेलिब्रेशन की पार्टीज वगैरह हमारे पास होती हैं। ये हमारी इंटरेस्ट है ऊपर वाले हॉल की, यहाँ से आप ऊपर वाले फंक्शन होते हैं जैसे मंगनी वगैरह। हाँ वो हम ये हमने ना एक सेल्फी पॉइंट लिया है, आपको पता है कि एक ना ये जुनून होता है ये यूथ को, ट्रेंड तो ट्रेंड बना हुआ है, खाने का ऑर्डर तो बाद में है, पहले सेल्फी है जी। और ये सेल्फीज के लिए ये वाला एरिया हम यूज करते हैं, लाइक फोटोग्राफी के लिए। हाँ फोटोग्राफी हम कर रहे हैं 70-60 पर्सन के लिए, ये हमारे पास एंगेजमेंट के लिए रूम्स वगैरह बना हुआ है सेलिब्रेशन के लिए जी। ये हमारे पास ये प्लेलैंड एरिया है, साथ फैमिलीज की सिटिंग यहाँ भी आप करवा सकते हैं, बच्चों वाली फैमिली मोस्टली ऊपर वाले हॉल्स में आ जाते हैं जी। तो यहाँ भी बड़ी अच्छी सिटिंग है, ये देखें लाइक बहुत अच्छी कोशिश है। सांगला फोक्स एंड नाइफ के जो सेलिब्रेशन रूम है या पार्टी रूम कह लें, माशाल्लाह आप देख सकते हो इतनी ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन की है कि जो आपको फाइव स्टार में मिल सकती है इस तरह की डेकोरेशन। और सांगला हिल या इर्द गिर्द इस तरह की डेकोरेशन रूम या इस तरह की सर्विस नहीं मिलती आपको। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे साथ मैनेजर साहब मौजूद हैं, तो इनसे कुछ पूछते हैं इस रूम के बारे में, इसकी बुकिंग कैसे होती है, अगर बुक करवाना हो तो किस तरह बुक करवाया जाता है। तो जी सर बताइए इसकी बुकिंग के बारे में, इसकी बुकिंग वगैरह कैसे होती है इसकी, अगर बुकिंग करवानी हो इसकी ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चार्जेस नहीं हमने रखे इसके कस्टमर के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए एडवांस आपको कॉल करनी पड़ेगी एक या दो दिन जी। हाँ वैसे जी मैं पता क्या आपने दिन में आईडी रखा है शायद इसकी बुकिंग के कुछ पैसे नहीं, हमने इसके चार्जेस नहीं रखे फिलहाल, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये जी। तो आगे कोई प्लान करेंगे, चार्जेस का अभी प्लान नहीं है हमारा फाइनल कोई कुछ भी। तो ये है कस्टमर से मैं मोस्टली कहता हूँ कि आपने ना एक या दो दिन एडवांस करवानी है बुकिंग, हमने डायरी बनाई है हम नोट कर लेते हैं और टाइमिंग दे देते हैं 2 घंटे का 2.5 घंटे का जितना भी है उसमें वाइंड अप करना, उसमें आपने वाइंड अप, क्योंकि इसकी बड़ी ना रेगुलर बुकिंग है, मोस्टली हमने 3-4 पार्टी सेलिब्रेशन करवानी होती है इधर। तो कितने लोग यहाँ पे सिटिंग कर सकते हैं? ये वैसे तो ये 40+ तक मैंने इसकी सिटिंग की हुई है, हमारे पास मोस्टली वो स्कूल से एकेडमी से आते हैं, अल्फला से लाइक स्पायर कॉलेज से आते हैं स्टूडेंट्स पार्टीज के लिए, तो 40+ तो इजीली मैं करवा रहा हूँ इधर सिटिंग जी। हैं जनाब यहाँ पे कुछ लोग पिज्जे के मज़े उड़ा रहे हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक सर, आप सुनाएं। कैसा लगा टेस्ट? जी बहुत अच्छा माशाल्लाह, अच्छा टेस्ट। कब से आ रहे हो इधर? 4 माह। आप इस टेस्ट से मुतमिन हैं? जी सर्विस से मुतमिन हैं? बहुत अच्छी है सर्विस। चलें ठीक है जी, शुक्रिया। ये मेन्यू है हमारा सांगला फोक एंड नाइफ का, इसमें कुछ पिज्ज़ास हैं, चिकन चीज स्टिक्स है, स्प्रिंग रोल्स हैं, पास्ता है, सैंडविच है, फ्राइज है, नगेट्स हैं, रोल्स में है कुछ, और ये साथ हमने ये बारबेक्यू चाइनीज पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल का किया हुआ है मेन्यू, ये भी हमने साथ मेंशन किया है। पिज़्ज़ा में हमें बड़ा फेमस है हमारे ओवरऑल सारे पिज़्ज़ा, और सांगला में ये हम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा सेल करने वाला सांगला फोकन है रेस्टोरेंट है, और टेस्ट पे भी और नो कॉम्प्रोमाइज़ ओवरऑल ये वेल है। इसमें स्पेशली कुछ पिज़्ज़ा हैं, तिक्का फजीता है, इसमें लेजेंड मलाई बड़ा अच्छा समझा जाता है, बिहारी कबाब में भी स्पेशल है, ऑल इन वन में 2-3 फ्लेवर होंगे वो भी बहुत अच्छा समझा जाता है टेस्ट में। पिज़्ज़ा कबाब सफ़र मोस्ट फेमस है हमारा पिज़्ज़ा, कबाब सफ़र में हमने एडिशन की है लेजेंड मलाई कबाब सफ़र, रॉयल क्रस्ट है, लेजेंड मलाई है ना जी, हमें ये वाला टेस्ट ये जी मैं करवाता हूँ, ये बड़ा अच्छा है, ये हम अपनी रेडी करते हैं ये फ्रेश। तो जी हाँ जनाब, फाइनली हमारा लेजेंड मलाई पिज़्ज़ा जो ला के आ चुका है, आप देख सकते हो देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब इसको करते हैं ये टेस्ट, और साइज भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है इसका, और देखने में तो कमाल की चीज़ लग रही है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये फोक्स एंड नाइफ का पिज़्ज़ा है। चीज़ चेक करें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ इसमें इस्तेमाल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो
तो वाह क्या बात है, बहुत जबरदस्त है इसका टेस्ट है। और जो चीज इसमें इस्तेमाल की ना वो कमाल किया, ये चेक करें जरा। आ हा 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 वाह, यही तो असल पिज्जे की निशानी है। इस तरह ये तकरीबन 1 फुट तक ऊपर ये चीज आई है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिज्जा खा लिया, बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त था पिज्जा इनका। तो अगर आप भी एक जबरदस्त किस्म का पिज्जा खाना चाहते हो तो जल्दी से आ जाइए सांगला फोक्स एंड नाइव्स पे। तो रमजान मुबारक की बाबरकत हाथों में अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज का व्लॉग होता है मुकम्मल, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ एक नए पॉइंट पे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।